हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि आपने किसके बारे में पढ़ना है, प्रजनन के बारे में पढ़ना है। कल हमने जो इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, हमने कुछ टॉपिक भी कवर किए थे जिसमें आपने जाना था प्रजनन क्या होता है। तो प्रजनन क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा या प्लांट के द्वारा अपने ही समान नई संतति या फिर नई पीढ़ी उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने क्या कहा था, रिप्रोडक्शन कहा था, यानी प्रजनन कहा था। यानी कि आपने प्रजनन में क्या देखा कि जो प्रजनन होता है उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो प्लांट है, वो क्या कर रहा है, अपने ही समान एक नई संतति को जन्म दे रहा है, यानी कि एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे। तो आपने क्या पढ़ा था कि जो सभी जीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी है, वो क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। और प्रजनन क्या है, प्रजनन एक विधि है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, और एक ही प्रकार की संतान पैदा करते हैं। एक ही प्रकार से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसा जो जनक होगा, जो नई संतति होगी, जो नए नए जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो नई जो पीढ़ी होगी, वो किसके जैसे होगी, वो जनक के जैसे ही होगी। अब एक ही प्रकार की संतान पैदा करने से ये मतलब नहीं है कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जो स्पीशीज होंगे वो सारे ही एक जैसी संतति उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो एक स्पीशीज होती है वो क्या करेगी, जो एक जाति होती है वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल को जन्म देगी। जैसे जो मनुष्य होंगे वो मनुष्यों को जन्म देते हैं, जैसे और जो जानवर होते हैं वो उन्हीं को जन्म देते हैं, जैसे जो गाय होगी वो गाय को ही जन्म देगी। वैसे ही आप क्या देखेंगे, जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स को ही जन्म देंगे, जैसे कि गेहूं के बीज से गेहूं का ही पौधा बनेगा, चावल का पौधा नहीं बनेगा। आपने क्या देखा, एक ही प्रकार के संतान पैदा करने से मतलब है कि जो स्पीशीज है, जो जाति है, वो अपने ही समान नई संतान को पैदा करेगी, नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगी। तो संतान को आपने क्या कहा, संतान को आपने यहाँ पे ऑफस्प्रिंग कहा है। यहाँ पे आपने देखा कि संतान क्या है, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है। नेक्स्ट आपने देखा कि जो प्रजनन होती है, प्रजनन एक प्रजाति के अस्तित्व और जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है। यानी कि प्रजनन क्या है, जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। जो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है, यानी जो पृथ्वी पे जो जीवन की जो निरंतरता है, उसका जो कारण है वो क्या है, उसका जो कारण है वो है प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। और जीवन को बनाए रखने के लिए जो रिप्रोडक्शन होता है या प्रजनन होता है वो आवश्यक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्यों जनन करते हैं, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर प्रजनन नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित प्राणी को देख रहे हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सारे जो जीव होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब सारे जीव जब खत्म हो जाते हैं तो क्या होगा, फिर एक भी प्राणी यहाँ पे नहीं बचेगा। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या होता है, प्रजनन की आवश्यकता होती है, ताकि नए जीवों का निर्माण होता रहे और पृथ्वी पे जो जीवन है वो निरंतर बना रहे। नेक्स्ट आपके पास आया था वेरिएशन, यानी विविधता। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन आपने देखा कि जैसे आपके पेरेंट्स थे और फिर आपने खुद को देखा, तो आपके पेरेंट्स और आप में बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देखेंगे, आप दिखने में डिफरेंट होंगे, यानी आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, आपका जो फेस होगा, वो अपने पेरेंट्स से क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपकी जो आदतें होती हैं, बहुत सारी आदतें भी उनसे डिफरेंट होंगी। आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पे कैसा वेरिएशन कब आती है, जब नए जो इंडिविजुअल का, नए जो संतति का निर्माण दो जनकों से होता है, दो जनकों से मिलकर, यानी कि जो एक मेल और एक फीमेल होता है। तो एक जो सेल आई, यानी एक मेल सेल और एक फीमेल सेल ने जब फ्यूज किया, और फ्यूज को करने के बाद जैसे जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से क्या हुआ, फिर एक नए पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। अब जो नया इंडिविजुअल है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो दो जनकों के होंगे। जब दो जनकों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो अपने पेरेंट्स से भिन्न होगा, यानी उनके या माता या पिता में क्या थे, अपने ही कैरेक्टर थे, बस उसमें जो नई जो संतति है उसमें दोनों के ही कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, वेरिएशन है, ये विविधता आ गई है। तो ऐसे ही जो विविधता देखने को मिलती है, ये कब देखने को मिलती है, जब दो पेरेंट्स यहाँ पे शामिल होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो वेरिएशन होती है,
वेरिएशन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि ये अडेप्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि कल हमने एग्जाम्पल देखा था कि माना कि जो कोई एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा गर्मी को सहन नहीं कर सकता है। इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, जो प्रकृति में जो चेंज हो रहा है, ए उसे सहन नहीं कर सकता है। और जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो जो प्लांट ए है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या हो जाता है, वो डेड हो जाता है। जबकि बी की अगर हम बात करें तो बी क्या होता है, बी ज्यादा गर्मी को सहन कर सकता है। जैसे ज्यादा तापमान बढ़ता है तो बी वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, बी की डेथ नहीं हो रही है बल्कि बी वहाँ पे जिंदा है। अब जब इन दोनों की क्रॉसिंग हुई, इन दोनों की जब मेटिंग कराई गई, तो जो नया प्लांट जो सी बना उसमें क्या था, उसमें वेरिएशन था। उसमें किसके गुण आ गए, उसमें बी के गुण आ गए। कौन सा गुण आ गया, कि जो बहुत ज्यादा तापमान को सहन कर रहा था, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर था उसे टॉलरेट कर रहा था। यानी ए और बी दोनों के गुण आए, बट बी से कौन सा वाला गुण आया, कि वो जो तापमान जो हमारे जो पर्यावरण है वहाँ पे वो अडप्ट कर पा रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा जो अडप्टेशन होता है, यानी पर्यावरण में जो भी चेंजेस हो रहा है उनके अनुसार जो वो अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, अडप्ट कर दे रहे हैं। तो ये कैसे आ रहा है, ये वेरिएशन से आ रहा है। वेरिएशन कैसे आ रहा है, जब यहाँ पे दो जनस हैं। सबसे पहला हमने अडप्टेशन देखा। नेक्स्ट आपने देखा कि इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हैव सम डिजीज रेजिस्टेंस। अब डिजीज रेजिस्टेंस भी ऐसे ही आती है जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अडेप्टेशन का गुण आया, कि माना कि जो ए है, ए क्या है, जो बीमारियों के प्रति ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा संवेदनशील है। यानी जो प्लांट ए है वो ज्यादा जल्दी बीमार हो जाता है, वही जो प्लांट बी है वो क्या होता है, वो बीमार नहीं हो सकता है, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। तो क्या हुआ, जब इन दोनों की मेटिंग हुई, जब सी बना तो सी में क्या आ गया, सी में बी के गुण आ गए और वो डिजीज के प्रति अब संवेदनशील नहीं है, यानी कि वो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वेरिएशन से क्या हो रही है, डिजीज रेजिस्टेंस का गुण आ रहा है। वहीं आपने देखा कि ये सर्वाइवल के चांस देता है, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट, जो अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जो आपके फेवर में ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जहाँ पे आप क्या कर खुद को, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं आप खुद को वहाँ पे अडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कौन हेल्प करता है, वेरिएशन हेल्प करता है। नेक्स्ट आपने देखा, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एंड बेटर प्रीड स्पीशीज। यानी कि यहाँ पे अब जब आपने ये वाला एग्जांपल देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक जो नई स्पीशीज बन रही है सी, वो क्या है, वो ज्यादा फिट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अडप्ट कर पा रहा है और इसमें क्या है, जो डिजीज है, डिजीज रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएशन के कौन कौन से फायदे हैं। लास्ट में आपने देखा, वेरिएशन इज द मेजर सोर्स ऑफ स्पीशीज एंड इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन वेयर द मोर फिट ऑर्गेनिज्म रिप्लेस द लेस फिट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जो ज्यादा फिट है, जो क्या ज्यादा स्ट्रांग है, वो क्या करता है, जो कम स्ट्रांग है उसे रिप्लेस कर देता है, उसे हटा देता है। अब यहाँ पे हमने माना कि ए बी और सी तीन स्पीशीज हैं। तीन स्पीशीज में यहाँ पे देखा, तीन स्पीशीज किसकी हैं, ये प्लांट हैं, ये तीन प्लांट है। अब तीन प्लांट में हमने देखा कि जो ए और बी हैं, ए और बी क्या हैं, वो जल्दी से उनमें बीमारियां नहीं लगती हैं और इन्वायरमेंट में जैसे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, ये बहुत ईजिली अपने आप को अडप्ट कर दे रहे हैं, बहुत ईजिली अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल दे रहे हैं। जबकि सी क्या है, सी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब जब सी ऐसा नहीं कर पा रहे तो सी क्या है, वीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सी होगा, सी यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से सी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वहीं जहाँ पे ये प्लांट्स होंगे, ये साथ में अगर हैं, तो यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे, जो न्यूट्रिशन होंगे, वो उसके लिए भी इनके बीच क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा, जो स्ट्रांग होंगे, यानी ये क्या है, ये इजिली सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इजिली अपना फूड, अपना मिनरल्स जो भी है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि इनके जो जड़ें होंगी वो स्ट्रांग होंगी। वहीं जब अगर सी की बात करें तो सी कैसा है, सी वीक है, यानी बहुत गर्म और बहुत ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वो पूरा जो प्लांट है वो वीक हो गया, कमजोर हो गया है, उसकी जड़ें क्या हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। अब जब जड़ें कमजोर हो गई हैं तो ये क्या करेगा, ज्यादा मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ए और बी ने किसे रिप्लेस कर दिया, सी को रिप्लेस कर दिया।
तो ये आपने पढ़ा था वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, आपने देखा प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव संतान को पुनः उत्पन्न करता है जो जैविक रूप से जीव के समान होती है। प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम और सुनिश्चित करता है। पृथ्वी पर यह जीवन की मुख्य विशेषता है। यानी कि प्रजनन के बारे में आपने जान लिया। प्रजनन क्या होता है, किसी भी एक जीव द्वारा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा या किसी भी प्लांट के द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं या फिर प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होगी और एनिमल्स में भी होगी। यानी पौधों में भी आप प्रजनन देखते हैं और जंतुओं में भी आप प्रजनन देखते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन देखे थे, आपने देखा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपने क्या कहा था, अलैंगिक जनन कहा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपने क्या कहा था, यौन प्रजनन या फिर लैंगिक प्रजनन भी आप इसे कहते हैं। यानी कि हमारे पास मेनली दो प्रकार के प्रजनन आते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रजनन है ये किस किस प्रकार से होते हैं और किस में होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास आया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लिविंग बींग या फिर एक ही प्लांट इनफ है किसी भी नई संतति के निर्माण के लिए। यानी एक ही जीव से क्या हो रहा है, नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। अब आप देखेंगे जब एक ही जीव से नया जीव बन रहा है तो वो जो नया जीव है वो सेम कॉपी होगा अपने जनक की, क्योंकि उसके डीएनए में कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। वो जो डीएनए है वो सेम वैसा ही होगा जैसा उसके जनक में था। तो यही जो प्रोसेस होती है ये किस में होती है, ये जो एसेक्सुअल की प्रोसेस होती है किस में होती है, जो एक जनक होता है और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो आपने इसमें पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है कि आपने देखा कि जब दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। अब एक मेल और एक फीमेल में क्या हुआ, एक जो सेल आई वो मेल से आई, एक सेल फीमेल से आई। तो जो इस सेल को हमने, एक मेल सेल को हमने कहा मेल गैमेट और फीमेल सेल को हमने कहा फीमेल गैमेट। जब ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं यानी इनका जो फ्यूजन होता है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो तभी नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने जब देखा था कि यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल की आवश्यकता है, एक ही इंडिविजुअल की आवश्यकता है तो एक ही गैमेट होगा, एक ही गैमेट है तो उसके उसके उसको फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होता ही नहीं है, या फिर ये कहें कि यहाँ पे गैमेट का निर्माण भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट से यानी शरीर के किसी भी भाग से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। वो आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो पौधे का कोई भी भाग है उस भाग से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, एंड देयरफॉर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट है तो ये क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा यानी कि 100% सेम होगा, इसमें कोई भी वैरायटी, कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपने देखा द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लेस डाइवर्स इन नेचर। यानी कि उनमें डाइवर्सिटी नहीं है, उनमें विविधताएं नहीं है। क्यों विविधता नहीं है, क्योंकि एक ही जीव से बन रहा है। जब एक ही जीव से बन रहा है तो एक ही प्रकार का क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। यानी कि उसका जो डीएनए है वो एक ही प्रकार का है। जब एक ही प्रकार का डीएनए तो उसमें क्या, उसमें विविधता नहीं आ पाती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रैक्टिस्ड वाइडली बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है ये किसके द्वारा किया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपने देखा द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नो मेट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। यानी कि अब आपने देखा जब एक ही, यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल की आवश्यकता है तो उसी से क्या हो रहा है, उसी से नए जीवों का निर्माण हो रहा है। तो जब बॉडी के किसी भी भाग से नए इंडिविजुअल का निर्माण हो जा रहा है तो यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। यानी जो पॉपुलेशन होगी वो तेजी से इंक्रीज होगी। हाउएवर अ लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक ऑर्गेनिज्म मोर सस्पेक्टेबल टू डिजीज एंड
न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने देखा कोई जो पेरेंट प्लांट है वो क्या है, वो उसमें कोई बीमारी है, यानी कि वो क्या है, डिजीज को लेके सेंसिटिव है, उसमें बहुत जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। तो उसका जो उससे जो कोई प्लांट जो ओरिजिन हो रहा है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, सेम वो गुण है उसमें भी आएगा, यानी कि वो भी क्या होगा, डिजीज यानी बीमारियों को लेके सेंसिटिव होगा, वो भी बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, तो डिजीज और न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी होती है वो भी गुण क्या होते हैं, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कल, जिसमें हमने पढ़ा था फिजन के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है फिजन। तो फिजन का मतलब क्या है, फिजन मीन्स टू डिवाइड, यानी कि डिवाइड होना, यानी डिवाइड होना ही क्या कहलाता है, डिवाइड होना ही फिजन कहलाता है। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन The parent cell divide into two cell, यानी कि यहाँ पे जो parent cell है, जो जनक cell है, वो जनक कोशिका क्या हो जा रही है, एक से दो भागों में विभक्त हो जा रही है। Next आप देखेंगे the cell division patterns vary in different organism, that is some are directional while other are non-directional. Amoeba and Euglena exhibit binary fission. अब बाइनरी फिजन में क्या आ रहा है, बाइनरी फिजन किसका प्रकार है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का प्रकार है बाइनरी फिजन। बाइनरी जो सबसे पहले अपने फिजन के बारे में पढ़ा, फिजन दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन होता है और इसके बाद आप सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, जो एक जो कोशिका है, एक जो जनक कोशिका है, जो पेरेंट सेल है, वो दो भागों में विभाजित हो रहा है। दो भागों में विभाजित कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये क्या है, अमीबा का आपके पास एग्जांपल है। अमीबा क्या हुआ, पहले लंबा हुआ यानी इलोंगेशन इसमें हुआ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसमें भी इलोंगेशन हो रहा है, यानी कि ये भी एक भाग से दो भागों में टूटने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है यहाँ पे, यानी दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है, और अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से ये भी अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और दो सेल का निर्माण हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन रही है, दो सेल बन रही है। तो बाइनरी फिजन बाई यानी कि दो, यानी कि जब भी बाइनरी फिजन का नाम आएगा तो आपको क्या याद रखना है कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये सबसे ज्यादा सिंपल है और अनकॉम्प्लिकेट है, यानी कि ये क्या है, जटिल प्रक्रिया नहीं है, बहुत सिंपल और साधारण प्रक्रिया है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमीबा हो रहा है, अमीबा का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है, अनियमित होता है, अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा था। अब अमीबा क्या होगा, इलोंगेशन हो गया यानी लंबा हो गया, धीरे धीरे जो न्यूक्लियस था वो भी ऐसे क्या हो गया, खींच गया। फिर आपने देखा जो न्यूक्लियस था वो दो भागों में विभाजित हो गया है, और आगे आपने देखा कि जो एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे सिंपली एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो रहा है, जिसे हमने बाइनरी फिजन कहा था। अब ये जो सेल बनी हुई है इन्हें क्या कहते हैं, टू डॉटर सेल कहते हैं, यानी दो संतति कोशिकाएं का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू, ईच डॉटर सेल कैरिंग अ न्यूक्लियस ऑफ इट्स ऑन, दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो डॉटर सेल बनी है, जो नई संतति बनी है, यानी कि इसे हम F1 जनरेशन भी कह सकते हैं, F1 यानी कि यहाँ पे क्या है, ये पहली पीढ़ी है, तो ये जो नई संतति का जो निर्माण हुआ है इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, यानी कि जो न्यूक्लियस इस अमीबा में था, जो एक न्यूक्लियस यहाँ पे था, वो दोनों जब दो कोशिकाएं बनी तो दोनों कोशिकाओं में भी एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड लीडिंग टू टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स, द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ एंड द डॉटर सेल्स ग्रो एंड फर्दर डिवाइड। यानी कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि यहाँ पे न सिर्फ सेल एक से दो भागों में विभाजित हो रही है, बल्कि न्यूक्लियस भी हो रहा है, न्यूक्लियस के भी विभाजन हो रहे हैं। सेकंड आपने देखा, जो आप ये साइटोप्लाज्म देख रहे हैं यहाँ पे, जो कोशिका द्रव्य जिसे आप कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये जो चीजें हैं वो याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बाइनरी फिजन हो रहा है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है।
अब जब यहाँ पे दो संतति कोशिकाएं बन गई तो धीरे धीरे ये ग्रो करेंगी, मैच्योर हो जाएंगी और फिर से इससे दो कोशिकाएं बनेंगी, इससे दो कोशिकाएं बनेंगी। यानी इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस का विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, कोशिका एक से दो भाग में विभाजित हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हमने कहा बाइनरी फिजन। तो आप क्या करेंगे, बाइनरी फिजन को लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और आप देखेंगे उसमें आप ये भी ऐड करेंगे कि जो बाइनरी फिजन है उसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों का ही डिवीजन हो रहा है, दोनों का ही विभाजन हो रहा है। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप अमीबा लिखेंगे और पैरामेशियम लिखेंगे। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो पढ़ा आपने बाइनरी फ्यूजन के बारे में। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो फ्यूजन होता है दो प्रकार का होता है। पहले हमारे पास बाइनरी फ्यूजन आए, तो बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा है, व्हेन द फ्यूजन रिजल्ट इन अ टू डॉटर सेल्स इट इज बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल है पैरामिशियम और आपने अमीबा का भी देखा है, यानी कि जब जो सेल हो रही है वो एक सेल से दो भागों में, यानी एक से दो भागों में विभाजित हो रही है, तो वो क्या है, बाइनरी फ्यूजन है। इसका एग्जाम्पल पैरामिशियम और अमीबा है। आपने दोनों ही एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट आपने देखा व्हेन फ्यूजन रिजल्ट इन मैनी डॉटर सेल्स इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। यानी कि अब क्या हो रहा है, जो फ्यूजन हो रहा है यानी एक सेल से बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे दो नहीं बल्कि दो से अधिक सेल का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो आपने उसे क्या कहा, उसे आपने कहा मल्टीपल फ्यूजन। यानी जो फ्यूजन के जो दो प्रकार है, पहला आपके पास आया बाइनरी फ्यूजन और सेकेंड आपके पास आया मल्टीपल फ्यूजन। अब मल्टीपल फ्यूजन का क्या एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम है। यानी कि आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर ही एक से बहुत सारी डॉटर सेल बन रही है। यानी कि आप ये जो देख रहे हैं न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत सारी सेल्स यहाँ पे बन रही हैं और इन्हीं सेल्स का क्या हो रहा है, ये सेल्स अब क्या कर रही है, जो सेल है वो फटके जो अंदर जो डॉटर सेल है, जो संतति कोशिकाएं हैं उनका, वो रिलीज हो गई है। यहाँ पे आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि एक सेल से 10 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हमने कहा मल्टीपल फ्यूजन और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। वही बाइनरी फ्यूजन में हमने क्या देखा, एक सेल से पहले जो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, दो न्यूक्लियस से फिर से क्या हुआ, ये जो सेल है, सेल अब क्या हुई, डिवाइड होना शुरू हो गई, यानी विभाजित होना शुरू हो गई है और अब एक से क्या हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये डिफरेंस है बाइनरी फ्यूजन में और मल्टीपल फ्यूजन में। यानी आप दोनों की डायग्राम देखेंगे और आप देखेंगे कि इनमें क्या है, अलग अलग इनमें जो डिफरेंस है। नेक्स्ट आपने देखा जो प्लेन्स ऑफ फ्यूजन मे बी डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। प्लेन्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे विभाजन हो रहा है, एक से दो भाग में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है कोशिकाएं। तो जो कोशिकाएं हैं, या तो कोशिकाएं ऐसे विभाजित होंगी या तो जो कोशिकाएं हैं ऐसे विभाजित होंगी, तो अलग अलग प्लेन है, यानी कि अलग अलग तरीके से जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित हो रही हैं। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन। आपके पास दोनों के ही क्या हो सकता है, दोनों का कंपैरिजन आ सकता है कि मल्टीपल फ्यूजन है वो क्या होता है और बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दोनों के ही क्या रखने हैं, दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। बाइनरी फ्यूजन का जो एग्जाम्पल है वो पैरामिशियम और अमीबा है और जो मल्टीपल फ्यूजन का जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्लस आपको क्या करना है, जो वो एग्जाम्पल दिए गए हैं क्योंकि ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो एग्जाम्पल है आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला आपके पास फिजन आया था, नेक्स्ट जो टाइप आपके पास आएगा वो आएगा रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। यानी जो ये है दूसरा पार्ट है, फ्रेगमेंटेशन को आप विखंडन भी कहते हैं। विखंडन में भी क्या हो रहे हैं, अलग अलग पीसों में जो बॉडी हो रही है वो डिवाइड हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी लॉस्ट ऑर्गन है, लॉस्ट ऑर्गन का क्या मतलब है, जैसे कि क्या हुआ, जो बॉडी थी, बॉडी का जो कोई ऑर्गन था वो कट गया या फिर उस वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो जब कट जाता है तो वहां पे क्या हो रहा है, उस जो ऑर्गन का, उस अंग का जो फॉर्मेशन है वो दोबारा हो जा रहा है। तो आपके पास क्या है, लिजार्ड है।
लिजार्ड में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे छिपकली आपने देखी है, तो छिपकली की जब पूंछ कट जाती है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो जो पूंछ है वो उतनी ही लंबी पूंछ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, यानी इसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं, यानी कि किसी ऑर्गन का पुनः जो निर्माण हो रहा है उसे हमने क्या कहा, रीजनरेशन कहा। कोई जो ऑर्गन है वो क्या हो रहा है, कट रहा है या डैमेज हो रहा है या बॉडी से क्या हो, अलग हो गया है, तो फिर क्या हुआ, उस ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो गुण है, ये जो कैरेक्टर है, ये सब में नहीं पाया जाता है। कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो पाई जाती है। जैसे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल में आपके पास लिजार्ड है। लिजार्ड में क्या होता है कि आपने देखा कि जो उसकी टेल होती है, अगर आप उसकी टेल को कट कर देंगे, उसकी पूंछ को कट कर देंगे, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो जो पूंछ होती है वो फिर से क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, फिर से उसका निर्माण हो जाता है। आप वैसे ही पूंछ आपको देखने को मिलेगी जैसे कि आपने काटी थी। तो ये तो क्या हुआ, ये हुआ रीजनरेशन। अब हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फ्रेगमेंटेशन को आप क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन को हम विखंडन कहते हैं। अब विखंडन से जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, विखंडन में मतलब इसके अलग अलग खंड हो रहे होंगे, अलग अलग पीस हो रहे होंगे। आपने देखा, फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रेगमेंटेटेड इंटू अ स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इंटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की पीस हो रहे हैं, यानी कि उसकी बॉडी के अलग अलग पीस हो रहे हैं। अब जितने भी पीस उसकी बॉडी के हुए, उतने पीसों से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया। अब आपको देखने, आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे जो एग्जांपल आपके पास आए हैं वो प्लेनेरिया है और हाइड्रा है। हाइड्रा के आप यहाँ पे आपके पास इमेज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरा एक हाइड्रा है, इसकी पूरी एक बॉडी है। अब आपने क्या किया, आपने बीच से यहाँ से हाइड्रा को काट दिया, यहाँ से आपने क्या किया, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो आपने देखा, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आ गया है और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आ गया है। यानी कि क्या हुआ, आपने दोनों पार्टों को डिवाइड कर दिया। आपने इसके जैसे हम मान लेते हैं कि आपने इसका सर अलग कर दिया, इसका धड़ अलग कर दिया। अब जो सर था, सर के जो नीचे वाला पोर्शन था वो यहाँ पे आ गया, यानी सर के नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, और ये जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें जो आप हेड वाला पोर्शन था वो यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे आपको दोनों ही डायग्राम देखने को मिल रहा है कि दोनों में क्या है, दोनों में पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, पूरे जो ऑर्गन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देखा कि ये क्या हुआ, ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों का जो डेवलपमेंट हो गया, दोनों की वृद्धि कैसे हुई, सेम जैसे जो हाइड्रा की जो पहले वाली बॉडी थी। यानी क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रा था, पूरी एक बॉडी थी, उसके आपने दो पार्ट किए, वो जो दो पार्ट थे धीरे धीरे ग्रो करके दो हाइड्रा में डिवाइड हो गए। दो हाइड्रा में फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और ये सेम उसी हाइड्रा के जैसे हो गए जो क्या था, जिसको आपने काटा था, जिसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि जो फिजन की बात हो रही थी तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही तो हो रहा था कि जो अमीबा था, अमीबा भी दो भागों में विभाजित हो रहा था। तो आप सोचेंगे कि जो फिजन है और जो फ्रेगमेंटेशन है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपने देखा था कि जब अमीबा डिवाइड हो रहा था तो वो डिवाइड होने की तैयारी कर रहा था, वो पूरे अमीबा को अलग कर रहा था, यानी कि वहां पे जो न्यूक्लियस था वो भी डिवाइड हुआ, वहां पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से इसके दो पीस कर दिए गए, यानी दो पीस हुए, और उन दो पीसों में जो ऊपर वाली जो बॉडी थी वो बन गई और इसमें जो नीचे वाली बॉडी थी वो बन गई। यानी कि इसमें जो खंडित होने की जो प्रक्रिया थी वो पहले से नहीं चल रही थी। अब आप इसके इतने कितने भी पीस कर दीजिए, जितने भी आप पीस करेंगे उतने पीसों में सेम यही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी कि एक नए हाइड्रा का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये क्या है, अडल्ट हाइड्रा है, मैच्योर हाइड्रा है। मैच्योर हाइड्रा से क्या हुआ, एम्प्यूटेशन हुआ, यानी कि दो भागों में विभाजित हो गया। अब रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है। पुनरुद्भवन हुआ यानी कि इसके नीचे वाला पार्ट बना और इसका ऊपर वाला पार्ट बना, और ग्रोथ हुई, और ग्रोथ हो कैसा, एक अडल्ट हाइड्रा आपको देखने को मिल रहा है। तो यही डिफरेंस है फ्यूजन में और फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन विखंडन यहाँ पे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन यानी अलग अलग भागों में टूटना, और पुनरुद्भवन कहाँ पे हो रहा है, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन को आप क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन कहेंगे। तो पुनरुद्भवन यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या है, ये है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसके जो एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों को ही आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एसेक्सुअल का जो थर्ड जो विधि हमारे पास थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या रहा है तो आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई मेक स्पोर दैट कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बैंड डिस्पर्स फ्रॉम दियर फ्रूटिंग बॉडी। अब सबसे पहले आप देखेंगे जो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मीन्स क्या होता है बीज, यानी कि यहाँ पे बीजों का निर्माण हो रहा है, बीजाणु निर्माण हो रहा है और किसमें पाया जाता है फंजाई में पाया जाता है फफूंद में, ये पाया जाता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे नए स्पोर का यानी नए बीजाणु का निर्माण हो रहा है और ये जो बीजाणु होते हैं ये एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इनका जब निर्माण हुआ तो ये कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल को बना सकते हैं, यानी कि स्पोर से बीजाणु से नए फंजाई नई फफूंद का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि व्हेन डिस्पर्स फ्रॉम देयर फ्रूटिंग बॉडी, या फ्रूटिंग बॉडी कहाँ कहाँ होती है, फ्रूटिंग बॉडी कौन होती है, फ्रूटिंग बॉडी हुई यानी कोई फंजाई है, फंजाई के अंदर क्या हुआ स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, तो वो जो फंजाई है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है फ्रूटिंग बॉडी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यहाँ पे स्पोर, यहाँ आपको यहाँ पे कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ब्लैक डॉट में, ये क्या है स्पोर्स हैं बीजाणु हैं और ये क्या है ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर क्या है इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी में यहाँ पे इनका क्या हुआ निर्माण हुआ, यहाँ से ये क्या हुआ यहाँ से ये फ्रूटिंग बॉडी से अलग हो गए झड़ गए और इन स्पोर से क्या हुआ फिर नए इसी प्रकार के जो फफूंद थी उसका निर्माण हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, दे आर कवर्ड बाय अ थिक आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट देम इन एडवर्स कंडीशन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो फ्रूटिंग बॉडी थी, ये जो फफूंद थी, ये फंजाई थी, इसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण हुआ, स्पोर्स का निर्माण हुआ, ये जो स्पोर्स थे ये क्या हुए नीचे झड़ गए। अब क्या हुआ, हो सकता है कि यहाँ पे जो कंडीशन है ये कंडीशन अनुकूल ना हो, फेवरेबल कंडीशन ना हो, फेवरेबल मीन्स क्या होता है कि आपके मतलब कि बीजाणुओं के फेवर में ना हो, बीजाणु के फेवर में होने का क्या मतलब है कि यानी कि यहाँ पे फफूंद के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे मॉइस्चर चाहिए यानी कि नमी चाहिए और यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कोई भी नमी नहीं है। तो ये जो स्पोर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो स्पोर होते हैं ये एक थिक लेयर से क्या होते हैं कवर्ड होते हैं, एक बहुत मोटी जो परत होती है इनको कवर करके रखती है, इस मोटी परत, ये मोटी परत क्या करती है इन बीजाणुओं को नष्ट नहीं होने देती है, मरने नहीं देती है। जब भी क्या होगा फेवरेबल कंडीशन आएंगी यानी बीजाणुओं के फेवर में कंडीशन आएंगी यानी जहाँ पे नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, जो रेनी जो सीजन है वो आ जाएगा, तो क्या होगा ये जो लेयर होगी इन बीजाणुओं की जो आर पार जो लेयर होती है वो लेयर जो फट जाएगी, जैसे ही वो लेयर फटेगी तो अंदर से बीजाणु निकलेंगे और बीजाणु से क्या होगा एक नए फफूंद का निर्माण हो जाएगा। तो आपने देखा व्हेन स्पोर्स गेट सुटेबल एनवायरनमेंट, अब सुटेबल एनवायरनमेंट कौन सा था जो कि उन्हें ग्रो होने के लिए चाहिए था, यानी कि मॉइस्चर चाहिए था, रेनी सीजन चाहिए था। नेक्स्ट आपने देखा सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन दे जर्मिनेट एंड बिगन टू ग्रो, यानी कि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है यहाँ से स्पोर निकले और ये स्पोर है, अब ये स्पोर क्या है स्पोर यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल कंडीशन हुई तो जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पे ग्रो होने शुरू हो गए और यहाँ पे क्या हुआ अब जो स्पोर स्पोरेंजिया यहाँ पे स्पोरेंजिया बन गए, यानी इन स्पोर से आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गए और इन स्ट्रक्चर से क्या हुआ इन स्ट्रक्चर से एक फ्रूटिंग बॉडी का यहाँ पे निर्माण हो गया यानी कि फफूंद का निर्माण हो गया। तो ये क्या है ये थर्ड टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का। अभी तक आपने तीन प्रकार के अलैंगिक जनन पढ़ लिए हैं यानी अलैंगिक जनन के तीन प्रकारों का वर्णन हमने किया है, तो आपने उसमें क्या देखा एक ही यहाँ पे जनक है यानी एक ही पेरेंट आपको देखने को मिल रहा है, चाहे आपने अमीबा का एग्जांपल या आपने हाइड्रा का एग्जांपल या आपने फफूंद का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे क्या है एक ही जनक आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि जो जनक की जो संतति होती है वो सेम उसी की क्या होती है टू कॉपी होती है, उसी की कॉपी होती है। जो स्पोर फॉर्मेशन है इसकी जो डेफिनेशन है आप अपनी इस कॉपी में से नोट करेंगे।
सो क्लास, आज आपने पढ़ा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था यानी अलैंगिक जनन था, उसके कौन कौन से प्रकार हैं और उसके आपने एग्जाम्पल देखे थे। तो इसमें आपने जो एग्जाम्पल है मेनली एग्जाम्पल को याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस विधि के अंदर आता है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।